बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था और हमने पीछे देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी बाहर से हमें बैटरी लगानी पड़ती है ताकि वो करंट को बाहर से जनरेट कर सके और अंदर जो है वो रिएक्शन प्रोसीड हो सके, यानी बाहर से हमें इलेक्ट्रिक करंट या कोई फोर्स देनी पड़ती है। ठीक है, आज हमने पढ़ना है गैल्वेनिक सेल। एंड गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम होता है वोल्टिक सेल और इसकी एग्जाम्पल क्या है, डेनियल सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम क्या है, वोल्टिक सेल, और एग्जाम्पल क्या है, डेनियल सेल। अब इसमें जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद होता है, हमें बाहर से कोई भी फोर्स या इलेक्ट्रिक करंट वगैरह या कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती। ऐसा रिएक्शन जिसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे उस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस जो अपनी मर्जी से खुद ब खुद होता है। ठीक हो गया। अब इसमें जब ये खुद ब खुद रिएक्शन होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, उसमें बाहर से हमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता था, अब इसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। जैसे रिमोट के सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें दो सेल्स हम जोड़ देते हैं आपस में, वो खुद ही अपना करंट प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही जो होता है उन्होंने काम करना होता है, बाहर से हमें कोई फोर्स वगैरह नहीं लगानी पड़ती। अब अगर इसकी डायग्राम की तरफ देखा जाए तो इसके डायग्राम में देखें कि हमारे पास दो सेल नज़र आ रहे हैं और दोनों सेल जो हैं वो हाफ सेल्स हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो हाफ सेल ये होगा और हाफ सेल कौन सा होगा, ये होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास सिर्फ एक ही सेल था, ठीक है, लेकिन इसमें कितने सेल्स हैं, दो सेल, ये हाफ सेल एक और ये हाफ सेल दो, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है। वो इलेक्ट्रोड जो जिंक सल्फेट के अंदर डिप किया हुआ है वो एनोड की तरह काम करेगा, और वो इलेक्ट्रोड जो कॉपर सल्फेट के अंदर डिप किया हुआ है वो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। दोनों हाफ सेल को आपस में जोड़ा है किसके साथ, साल्ट ब्रिज के साथ। साल्ट ब्रिज क्या करता है, साल्ट ब्रिज जो होता है यू शेप्ड है, देखें यू शेप्ड है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि आइंस की माइग्रेशन के लिए रास्ता फ्राहम करता है, ताकि आइंस जो है माइग्रेट कर सके, यहाँ से यहाँ में जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसका है, जिंक का, तो सोल्यूशन भी हमने किसका लेना है, जिंक सल्फेट का। यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमारे पास किसका है, कॉपर का, तो सोल्यूशन भी हमने किसका लेना है, कॉपर सल्फेट का लेना है। अब क्या होगा कि जिंक जो है अपने इलेक्ट्रोड निकाल देगा तो Zn+2 में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है जिंक पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्योंकि जिंक जो होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर के। हालांकि दोनों की वैलेंसी सेम है, लेकिन साइज़ की वजह से जिंक जो होता है वो अपने जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, इसे एक्सटर्नल वायर के साथ हमने जोड़ दी है। जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल वायर के थ्रू फ्लो करके किसके पास जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे, और वहाँ पर कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन कम है, कॉपर ने भी इलेक्ट्रॉन कम किए हुए हैं अपने, कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे के कॉपर आइंस जो हैं वो कॉपर एटम में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। समझ आ गई है, सिंपल रिएक्शन है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन कम है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं और कॉपर के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पूरे हो गए। अब अगर एक बात देखी जाए तो इसके ऊपर नोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वैसे नोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। लेकिन इसमें ऐसा क्यों है, इसमें ऑपोजिट इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अगर इधर भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इसके थोड़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और इसे नोड के ऊपर कौन सा चार्ज रखते हैं, नेगेटिव, ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करें और पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर यहाँ पे जा सकें। क्लियर हो गया। अब हम अगर इसकी वर्किंग देखी जाए तो वर्किंग में देखें कि हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हैं, एक एनोड पे जो हो रहा है और दूसरा के थोड पे हो रहा है। एनोड पे जिंक जो है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के किस में चेंज हो रहा है, Zn+2 में, साथ के आ रहे हैं टू इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इस पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। वही बात कि थोड पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कॉपर आइंस लेंगे और कॉपर एटम्स में चेंज हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसलिए इसका मतलब इस पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए तो ओवरऑल रिएक्शन में हमें बताया जा रहा है कि जो जिंक है उसके पहले इलेक्ट्रॉन पूरे थे और कॉपर के इलेक्ट्रॉन क्या थे, कम थे। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिए, जिसकी वजह से कॉपर के तो पूरे हो गए लेकिन जिंक के अपने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। क्लियर हो गया, समझ आ गई है। जो टॉयज़ वगैरह की बैटरीज वगैरह होती हैं उनके अंदर भी यही होता है, ऑटोमोबाइल के अंदर, कैलकुलेटर्स वगैरह के अंदर, सब में यही रिएक्शन होता है, हमें बाहर से कोई करंट नहीं देना पड़ता। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो और इलेक्ट्रिक करंट खुद प्रोड्यूस करें उसे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल कहते हैं। एग्जांपल क्या है, डेनियल सेल। कंस्ट्रक्शन के लिए देखा जाए तो हमारे पास दो सेल्स हैं, दोनों सेल्स को हाफ सेल का नाम देना है, किसके साथ जुड़े हुए हैं, साल्ट ब्रिज के साथ। हर हाफ सेल में इलेक्ट्रोड को अपने ही मोलर सोल्यूशन के अंदर डुबोया हुआ है और किसको इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक्सटर्नल सर्किट यानी एक वायर के साथ जुड़ा हुआ है।
जो लेफ्ट हाफ सेल है इसके पास एक इलेक्ट्रोड है किसका, जिंक मेटल का, जिसे 1 मोलर सॉल्यूशन जिंक सल्फेट में डुबोया गया है। देखें ये जिंक का इलेक्ट्रोड है तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिंक सल्फेट का, 1 मोलर लेना है। राइट हाफ सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड है तो डिप किस में किया गया, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में। साल्ट बीच क्या है, यू शेप ग्लास ट्यूब है, इसके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और अंदर जेली टाइप मटेरियल होता है जो इसे सपोर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है ना तो जेली टाइप मटेरियल इसे सपोर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रोलाइट को। एंड जो होते हैं यूट्यूब के वो पोरस मटेरियल्स होता है, जैसे कोई ग्लास फूल वगैरह होता है, जैसे छाननी वगैरह का जो पोरस मटेरियल होता है, बिल्कुल ऐसे। साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है कि दोनों हाफ सेल्स को न्यूट्रल रखना ताकि आइंस वगैरह की माइग्रेशन में हेल्प कर सके, जितने यहाँ पे होंगे उतने ही यहाँ पे होंगे और दोनों के आइंस में माइग्रेशन में ये हेल्प करता है। वर्किंग में देखा जाए तो जिंक मेटल के पास टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज़ किया जाए एज़ कम्पेयर टू कॉपर, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन जिंक पे होगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे जिंक इलेक्ट्रोड से एक्सटर्नल वायर से होते हुए सर्किट किसके पास चले जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड के पास। ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे कॉपर आइंस ले लेंगे और कॉपर एटम्स के चेंज हो जाएंगे, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास इस तरीके से होगा। ओवरऑल रिएक्शन दो इलेक्ट्रॉन से कट गए, इस तरफ ये आ गया और इस तरफ ये आ गया, ये मैंने आपको बता दिया होगा। इस रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, बैटरीज जो ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ वगैरह चलाती हैं, कैलकुलेटर्स वगैरह, टॉयस वगैरह, बल्ब वगैरह चलाती हैं, वो सारी इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। क्लियर हो गया, ये आपके 2 साल कंप्लीट हो गए, ये टेबल आपने पहले ही कर लिया था। ठीक है, ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।